नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राशि के दैनिक राशिफल के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 19 फरवरी 2024 सोमवार का दिन है और माघ मास के शुक्ल पक्ष आज दसवीं तिथि। नक्षत्र आज है मृगशिरा। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 11:37 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह प्रातः 6:12 पे। चंद्रमा की आज स्थिति रहने वाली है मिथुन राशि पर। आज का अशुभ काल का समय रहेगा तकरीबन शाम 3:59 से लेकर शाम 5:15 तक रहेगा। इस अशुभ काल में कोई भी शुभ और नए कार्य की शुरुआत ना करें तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की, और यह प्रोडक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मिथुन राशि के जातकों, आज इनकम बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा कर पाएंगे, जो कार्य अभी तक रुके हुए थे पेंडिंग थे उन्हें पूरा कर सकते हैं, नजदीकी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा, लंबे समय से अधूरे कार्यों को पूरा कर पाएंगे, मित्रजनों का सहयोग प्राप्त होगा आज के दिन। आज नौकरी में और व्यवसाय में दोनों में फायदा होगा, नौकरी में प्रमोशन होगा और नई जॉब की संभावना है जिनकी जॉब अभी तक नहीं लगी है। कार्यक्षेत्र में आपको अधिक से अधिक मुनाफा होगा, जो कार्य रुके हुए थे पेंडिंग थे उन्हें पूरा कर सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अवसर आपके हाथ लग सकते हैं और धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। कार्यक्षेत्र में भी विशेष लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही इनकम में बढ़ोतरी होगी और आज बिजनेस व्यापार में कुछ नया कर सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण डील होगी फाइनल। साथ ही साथ आज कार्यक्षेत्र में भी लाभ होगा, आज लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा कर पाएंगे, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। साथ ही पार्टनर में कोई काम करते हैं तो पार्टनर में एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होगा, मित्रजनों का सहयोग प्राप्त होगा आज के दिन। आज बैंक से कोई लोन वगैरह मंजूर होगा जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, घर परिवार के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की खरीदारी करेंगे, घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य होगा, शादी विवाह का आयोजन होता हुआ नजर आएगा, जिनके विवाह अभी तक नहीं हुए हैं उनके लिए एक अच्छा सा रिश्ता आएगा। और आज किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम विद फैमिली बना सकते हैं, परिवार के साथ माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा, साथ ही भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे, जमीन प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे विवाद भी खत्म होंगे। साथ ही साथ आज कुछ नया कर सकते हैं, आज मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े जातकों को विशेष लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक फायदा होगा, कुछ ऐसे कार्य पूरे होंगे जो काफ़ी समय से अधूरे पड़े थे पेंडिंग कामों को पूरा कर पाएंगे, घर परिवार का भी सपोर्ट प्राप्त होगा, मित्रजनों को सहयोग प्राप्त होगा, घर में संतान की प्राप्ति होगी, आज एक नन्हे से मेहमान का आगमन होगा, संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलेगा, साथ ही जीवन साथी का भी सहयोग प्राप्त होगा, जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे, कुछ ऐसे कार्य पूरे होंगे जो काफ़ी समय से नहीं बन पा रहे थे, आज आपके कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का भी लाभ मिलेगा, जो कार्य अधूरे थे पेंडिंग थे उन्हें पूरा कर सकते हैं। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है, घर परिवार का भी सपोर्ट मिल रहा है, साथ ही बिजनेस व्यापार में तेजी से ग्रो यानी कि बढ़ोतरी करते नजर आएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक से कोई महत्वपूर्ण कागजात पूरा होगा, लोन वगैरह मंजूर होगा और साथ ही साथ आज शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में लाभ होगा, पहले से इन्वेस्ट कर रखा था तो लाभ होगा, लॉटरी सट्टा से लाभ होगा, सही मुहूर्त पर ही लॉटरी सट्टा में आजमाएं अपना भाग्य तो लाभ होगा। साथ ही यात्रा के योग है, विदेश जाने का भी योग बन रहा है, साथ ही नज़दीकी यात्राएँ भी हो सकती है, गाड़ी वाहन से सावधानी बरतें, छोटी मोटी सेहत को लेकर थोड़ी समस्याएँ देख सकती, घर परिवार में किसी सदस्य के सेहत में थोड़े से परेशानी देखने को मिलेगी, उधार कर्जा किसी को न दे और आज लड़ाई झगड़े से बचे, घर परिवार में समाज मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, राजनीतिक मसले हल होंगे, कुछ महत्वपूर्ण कार्य होंगे और कुछ ऐसे अनसुलझे मुद्दे होंगे जो काफ़ी समय से अधूरे थे, आज कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आज महत्वपूर्ण आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा, सामाजिक स्थिति और परिवारजनों का सहयोग तो वहीं पड़ोसों के साथ संबंध मधुर रहेंगे, आज आपका शुभ रंग रहेगा हरा और भाग्य साथ निभारा तकरीबन 9 यानी कि 9। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय शनिदेव।